आज फिर आपके लेकर आ गई हूँ एक बहुत ही प्यारा सा क्विक एंड रिस्पॉन्सिव मेकअप लुक। जी हाँ, बहुत सारी फीमेल्स को और बहुत सारी गर्ल्स को रिक्वायरमेंट रहती है कि उनका जो नेचुरल चार्म है वो बरकरार रहे, यानी कि वो मेकअप करना चाहती हैं बट वो नो मेकअप लुक या फिर वो नेचुरल मेकअप करना चाहती हैं। नेचुरल मेकअप जहाँ तक बात करें तो उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है और नेचुरल चार्म तो कहीं नहीं बरकरार रहता है उसके अंदर, उतना ज़्यादा आपको फेयर कर दिया जाता है उस मेकअप लुक में कि आप कहीं से भी नेचुरली ब्यूटीफुल नहीं लगती हैं। लगता है कि बहुत सारा मेकअप आपके फेस पे लगा दिया गया है जिसे आपको पिटी दिखाने की कोशिश की जा रही है। बट अगर बात करती हूँ कि मैं किस तरह से क्रिएट करती हूँ इस तरह का नेचुरल लुक जैसा कि लोगों को एक्जैक्टली चाहिए होता है, वो ये नहीं चाहते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा फेयर कर दिया जाए। फेयर करना ये कोई ब्यूटी नहीं होती है, आपको जस्ट अपनी स्किन टोन से एक नंबर ज़्यादा ही बस फेयरनेस को यूज़ करना पड़ता है जिससे कि आपका जो नेचुरल लुक है वो पिटी एकदम बना रहता है, आपके फेस का चार्म नहीं जाता है, आप नेचुरली ब्यूटीफुल लगते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपके फेस के फीचर्स को थोड़ा बहुत हाईलाइट किया जाता है जिससे आपका जो नेचुरल लुक है वो आपका नेचुरल ही बना रहता है, वो थोड़ा अननेचुरल नहीं लगता है। ऐसा नहीं लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा मेकअप लगा रखा है जिसकी वजह से आप ब्यूटीफुल लग रहे हो या ब्यूटीफुल लगने की कोशिश कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा आज का थीम। आज जो मैं मेकअप लुक क्रिएट करने जा रही हूँ वो कुछ इन्हीं बातों से इंस्पायर्ड है। आज का जो मेरा मेकअप लुक है ये होने वाला है बहुत ही ज़्यादा डैशिंग, बहुत ही ज़्यादा पिटी, बहुत ज़्यादा क्विक और बहुत ज़्यादा स्टाइलिश। इसमें आपको बहुत कुछ नहीं करना है, बहुत ही इजी एंड सिंपल मेथड यूज़ करके आपको मेकअप करना है जिससे कि आप लगेंगे बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट एंड बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और नेचुरली ब्यूटीफुल जैसा कि आप चाहते हैं। तो बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करती हूँ आज का वीडियो। सबसे पहले अगर आपको करना है अपना प्यारा सा मेकअप लुक, नेचुरल मेकअप लुक, तो सबसे पहले आपको बहुत ही अच्छे से हाईलाइट करनी होगी अपनी आईब्रो को। तो सबसे पहले हाईलाइट कर लेती हूँ मैं अपनी आईब्रोज। आईब्रो फ्रेंड्स मेरी ऑलरेडी हाईलाइटेड है, मैंने थोड़ा सा बस टच दे रही हूँ क्योंकि मैंने फिर से पहले एक मेकअप लुक क्रिएट किया था जिसे मैंने अपनी आईब्रोज को हाईलाइट किया था। तो आईब्रो हाईलाइट करना कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, मैं काफ़ी वीडियोस में आपको दिखा चुकी हूँ तो आप उसे देख करके आप देख सकते हैं आईब्रोज़ को फुल्ली कैसे हाईलाइट करते हैं। तो ये हो गई है मेरी आईब्रो हाईलाइट। फ्रेंड्स मैंने लगा लिया है कंसीलर अपने आईलिड के ऊपर क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। आप नो मेकअप लुक भी क्रिएट कर रहे हैं तब भी आपको अपने आईलिड के ऊपर कंसीलर ज़रूर से अप्लाई करना होगा क्योंकि आपके जो भी हल्के फुल्के जो भी डार्क सर्कल्स होते हैं अगर वो हाइड नहीं करते हैं आप और मेकअप कर लेते हैं तो वो बहुत ही अच्छा नहीं दिखाई देता है एट अ टाइम। तो आपको कंसीलर अच्छे से अप्लाई कर लेना है एंड उसके बाद आप कोई भी लाइट कलर का आई शेडो ले सकते हैं, कोई भी लाइट कलर का आई शेडो, जैसे कि आपको पीच चाहिए, न्यूड पिंक चाहिए, कोई भी आपको लग रहा है कि थोड़ा सा मुझे डार्कर टोन में चला जाना है या हल्का फुल्का ऐसा आई शेडो लेना है जो कि हल्का सा हाईलाइट हो, तो ये यहाँ पे मैंने ले लिया है। ये पीच कलर का आई शेडो है, ये काफ़ी पिटी सा इसका लुक आता है। बस जस्ट आपको एक ही आई शेडो लेना है और इसकी ब्लेंडिंग आपको काफ़ी अच्छे से अपने ओवरऑल आईलिड के ऊपर कर लेनी है काफ़ी अच्छे से। ये काफ़ी जल्दी से भी हो जाता है, बहुत टाइम नहीं लगता है इसमें एंड काफ़ी फिटी लगता है इस तरह का लुक। तो आई शेडो मेरा हो चुका है कंप्लीट। दैट्स इट। ये आई शेडो को आपको अपने अंडर आई एरिया में भी अच्छे से ब्लेंड कर लेना होता है बहुत अच्छे। मैंने काजल लगाया हुआ है यहाँ पर, अगर आपको इसको और पिटी सा नो मेकअप लुक देना है तो आप यहाँ पे वाइट कलर का काजल भी यूज़ कर सकते हो। मेरा ये नो मेकअप लुक के लिए इतना ही आई शेडो सफिशियंट है बट इन केस आप किसी पार्टी में जा रहे हो और आपको हल्का सा शिमर अराउंड करना है तो यहाँ पे मेरे पास ये एक आई शेडो प्लेटी है, बॉक्स है, इसमें बहुत पिटी पिटी से शेड्स हैं। इसमें से आप कोई भी प्यारा सा एक शेड पिक कर सकते हैं एंड इसे हल्का सा अपने आईलिड के ऊपर अप्लाई करके और हल्का हल्का हाथों से ब्लेंड कर लेंगे तो एक हल्का सा शिमर आ जाएगा आपकी आईज के ऊपर जो कि बहुत ही ज़्यादा पिटी लगता है। दैट्स इट, हो गया है मेरा आई लुक कम्प्लीट एंड देन मुझे अप्लाई कर लेना है ये
मस्कारा, जिसे कि आपका नो मेकअप लुक में एक कहते नहीं है चार चांद लगाने के लिए मस्कारा तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मैं अप्लाई कर रही हूँ मस्कारा। अगर आपको लगता है कि आपका लुक थोड़ा कंप्लीट नहीं होके आ पा रहा है तो आप हल्का सा आईलाइनर भी अप्लाई कर सकते हैं बहुत ही थिन लेयर में। फ्रेंड्स, हो चुका है मेरा आई मेकअप ऑलमोस्ट कंप्लीट। अब मुझे करना है सिर्फ और सिर्फ अपना थोड़ा बहुत सा फेस मेकअप, जिसके लिए बहुत ही अच्छे से आपको अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर अप्लाई करने के बाद आप कोई भी अच्छा सा फाउंडेशन अपने स्किन टोन से मैच करता हुआ अप्लाई कर लें। मैंने बहुत ही हल्का सा फाउंडेशन अप्लाई कर लिया है अपने फेस के ऊपर, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा फाउंडेशन अप्लाई करते हैं तो वो स्किन एकदम से अलग से फेस पे नज़र आता है कि आपने बहुत सारा फाउंडेशन लगाया है, जो कि आपके लुक को ख़राब करता है। इसलिए अगर आप नो मेकअप लुक क्रिएट करना चाह रहे हैं या फिर किसी डे इवेंट में जा रहे हैं तो फाउंडेशन हमेशा थोड़ा हल्का ही अप्लाई करें, जिससे कि आपका मेकअप भी जल्दी ख़राब नहीं होगा, पैची नहीं होगा और केकी नहीं लगेगा, काफ़ी नेचुरल लगेगा आपका फेस। तो इसलिए काफ़ी थोड़ा हल्का ही फाउंडेशन अप्लाई करें जब भी आप इस तरह का लुक क्रिएट करें। ऑलमोस्ट मेकअप कंप्लीट ही हो चुका है, ज़्यादा कुछ भी नहीं करते हुए मैं सिर्फ और सिर्फ अप्लाई करूँगी हल्का सा ब्लशर अपने फेस के ऊपर। ब्लशर अप्लाई करने के बाद इसे काफ़ी अच्छे से आपको ब्लेंड कर लेना होता है, क्योंकि अगर आप ब्लशर को ब्लेंड नहीं करेंगे तो वो आपके फेस पे आगे से एकदम चमकीला पिंकिश टोन में बहुत ज़्यादा नज़र आएगा, जो कि काफ़ी अजीब सा लगेगा और काफ़ी पाकिस्तानी एक्ट्रेस टाइप का फेस आपका लगेगा, जैसे कि वो लोग भी भर भर के मेकअप लगाती हैं एंड दिन भर भर के आप ब्लशर एंड हाइलाइटर अप्लाई कर लेते हैं, तो वैसा लुक नहीं चाहिए। फिलहाल हम इंडियंस हैं, हमें इंडियंस लुक चाहिए। तो अगर ज़्यादा लग रहा है आपको तो आप ऐसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से आप जो भी आपने हाइलाइटर अप्लाई किया है आप उसे ऐसे ब्लेंड कर सकते हैं, जिससे काफ़ी आपके फेस का नेचुरल सा लुक आ जाएगा और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपको फेस कॉन्टोर करना चाहिए, आप कॉन्टोर कर सकते हैं, बट अगर आप नो मेकअप लुक की तरफ जा रहे हैं तो मैं आपको फेस कॉन्टोर सजेस्ट नहीं करूंगी। मेकअप कंप्लीट हो चुका है, पिटी सा टच देने के लिए आप इस तरह से कंसीलर को अप्लाई कर सकते हैं, इससे काफ़ी ज़्यादा नेचुरल एंड पिटी फिनिश आ जाएगी आपके फेस की। और कॉन्टोर नहीं भी किया है बट ये एक अच्छा सा पिटी सा शेप दे देगा आपके फेस को, जिससे अगर आपने कॉन्टोर नहीं भी किया है फेस तो कुछ कॉन्टोर जैसे। गाइज, हो चुका है मेरा आज का ये मेकअप लुक कंप्लीट। इसको हम नो मेकअप लुक तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हैं। हाँ, अगर आपको नो मेकअप लुक चाहिए तो आप इसी मेकअप में अपने लिपस्टिक का शेप थोड़ा सा लाइट कर सकते हैं, और अगर आप स्किप करना चाहें आईलैशेस को तो आप स्किप कर सकते हैं, देन आपका बहुत ही प्रीटी सा नो मेकअप लुक क्रिएट होगा। अगर आप नहीं इस तरह से लैशेज एंड डार्क लिपस्टिक को कैरी करना पसंद करते हैं,
बट अगर आप इस तरह से भी मेकअप को करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हाइलाइटेड मेकअप नहीं रहता है, ये भी काफ़ी नेचुरल मेकअप है। इस तरह के मेकअप करके भी आप काफ़ी ज़्यादा प्रिटी एंड एलिगेंट लगेंगे, काफ़ी ज़्यादा हाइलाइटेड नहीं है ये मेकअप, काफ़ी ज़्यादा नेचुरल दिखता है। और इतना मेकअप तो अप्लाई कर ही सकते हैं अगर हमें दिखना है थोड़ा सा एलिगेंट, थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड, थोड़ा सा अलग हटके, तो आप इतना मेकअप तो अप्लाई करें, ये मेरा पर्सनल सजेशन है, बाकी अप टू यू। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया मेरा ये वाला मेकअप लुक, मैंने काफ़ी सारे मेकअप्स ट्राई किए हैं बट जो भी बात इस मेकअप लुक की आती है वो बहुत ही कम किसी और मेकअप की आती है। मैं यूजुअली मैं खुद जब किसी पार्टी में जाती हूँ तो ज़्यादातर इस तरह का ही मेकअप कैरी करती हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होता है जब मैं इस तरह का मेकअप करती हूँ। हर बात ये होती है इस मेकअप की, ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है एंड अगर आप देर तक भी स्टे करते हैं तो अगर ये मेकअप आपका हल्का फुल्का हट भी जाता है, चिप भी हो जाता है तो वो नज़र नहीं आता है। लाइक आपकी लिपस्टिक काफ़ी लाइट होती है तो वो बस पता भी नहीं चलती है कि आपने लिपस्टिक लगाई है या फिर हटा दी है। तो ये मेकअप काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होता है, काफ़ी ड्यूरेबल होता है और एट अ टाइम काफ़ी काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लगता है। तो अगर आप ही है लवर इस तरह के मेकअप के और पसंद है आपको मेरा आज का ये वीडियो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बने रहिए मेरे चैनल पे। मैं लेकर आती हूँ ऐसी ही प्यारी प्यारी एलिगेंट सोफिस्टिकेटेड वीडियो जो कि होती है रिलेटेड मेकअप से। पसंद आई हो मेरी वीडियो को तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।